दोस्तों वेलकम टू पावर एसर, मैं हूं आपका दोस्त अर्शद और आज हमारे साथ है निसान मैग्नाइट। आज हम इसका फुल डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आपसे शेयर करने वाले हैं। आज हम इस गाड़ी को इस हाईवे में चला के देखने वाले हैं, सिटी कंडीशंस पे ट्राई करेंगे, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग आपसे शेयर करेंगे कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है रियल लाइफ कंडीशंस, कैसा आपको अंदर कंफर्ट मिलता है, ये इंजन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जो इसमें आपको इंजन मिल रहा है ये निसान की तरफ से फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया गया है। ये इसका HRA0 सीरीज़ का टर्बो पेट्रोल इंजन है। एक्चुअल अगर आप इसकी सीसी की बात करेंगे तो 999 सीसी का इंजन है। पावर इसकी 100 पीएस की है और 160 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क देता है। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ फुल 5 पैसेंजर्स के साथ इसको ड्राइव करते हैं तो ये इंजन कैसा आपको परफॉर्म करने वाला है, माइलेज कितनी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ निसान मैग्नाइट के अंदर और जो फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका, वो है इसकी हाई सीटिंग हाइट। काफ़ी ऊंचा आपको लगेगा इसके अंदर बैठ के, एक आपको एसयूवी वाली फील आने वाली है। कैबिन काफ़ी ज़्यादा एयरी है, शोल्डर रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हेडरूम काफ़ी शानदार है। गाड़ी में ओवरऑल आपको एक एसयूवी फील ज़रूर आएगी। गियरबॉक्स की बात करते हैं तो 5 स्पीड का आपको इसमें ट्रांसमिशन मिलता है। इंजन ऑप्शंस आपको इसमें दो मिलेंगे। पहला है इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि एक परफॉर्मेंस ड्राइव के लिए बना है और आज मैं उसी को ड्राइव कर रहा हूँ। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है उसके साथ। दूसरा जो इसका इंजन है वो आपको एक इकोनॉमी ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 लीटर का MPI इंजन है जो आपको 72 PS की पावर और 96 NM का मैक्सिमम टॉर्क देगा। ये जो इंजन आज हमारे साथ है टर्बो पेट्रोल इंजन 999 CC का है, ये 100 PS की पावर और 160 NM का टॉर्क देता है। चलिए बात करते हैं इसके सीधे ड्राइव की। पहला गियर मैंने इसमें इंगेज कर दिया है, सिर्फ मुझे इसमें क्लच रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 80% क्लच रिलीज़ करने के बाद जो बाइटिंग है वो आपको मिल जाती है और इंजन काफ़ी स्मूथली पिक करता है। गाड़ी के जो डोर्स है ये ऑटो लॉक हो गए, आपने आवाज़ सुनी होगी, और काफ़ी रिफाइंड आपको उसमें फील होने वाला है। टर्बो की जो आपको किक है वो आपको 2500 के आसपास देखने को मिलेगी। सेकेंड गियर में इसमें इंगेज करता हूँ, एक आपको काफ़ी अच्छी खासी इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। और जो आपने देखा था मैंने जैसे इसमें क्लच रिलीज़ करा, काफ़ी अच्छा मुझे एक इसमें मैंने एक सडन क्लच रिलीज़ करा फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसमें देखने को मिली। और मैं इसको अभी काफ़ी स्पोर्टली ड्राइव कर रहा हूँ जिससे आपको इसके रिफाइनमेंट और एक इंजन का जो ओवरऑल कंपोजर है वो फील हो। इसमें जो इंजन दिया गया है ये HRA0 सीरीज़ का इंजन है। इसका एक और इंजन आता है जो कि 1300 CC का है जो कि निसान किक्स में आ चुका है, वो मर्सिडीज़ की ए क्लास में भी यूज़ होता है। तो जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये निसान ने अपनी GTR फैमिली है जो कि इनकी एक स्पोर्ट्स कार है उससे यूज़ की गई है। तो एक डिज़ाइन इन जापान कार है और एक मेड इन इंडिया थीम के अंडर ये गाड़ी आती है। और स्टेयरिंग की बात करेंगे तो सिटी राइडिंग के हिसाब से जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी काफ़ी लाइट वेट आपको स्टेयरिंग फील होगा, ट्रैफिक में काफ़ी ईजिली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं हाईवे में हूँ तो काफ़ी आपको एक वेट इसमें फील होने वाला है स्टेयरिंग में। और रोलिंग की बात करेंगे गाड़ी में तो सस्पेंशन का जो सेटअप है थोड़ा आपको इसमें स्टिफर साइड में मिलेगा, मतलब ऐसा स्टिफ है जो कि आपको एक ज़्यादा एक पॉजिटिव ड्राइव दे, इसमें एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग आपको मिले, ज़्यादा गाड़ी सैग नहीं करने वाली है इसमें। जैसे आपके सामने अभी डिज़ायर चल रही है, इससे पहले स्विफ्ट चल रही थी, तो वो एक हैचबैक क्लास और एक एंट्री लेवल सेडान क्लास में आती है। तो उसमें क्या है कि सीटिंग हाइट काफ़ी लो है तो उनकी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बट अभी मैं काफ़ी ऊंचा बैठा हूँ तो मुझे जो फील्ड ऑफ व्यू है हाईवे में वो काफ़ी ऊंचा देखने को मिल रहा है। फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर हाईवे में आप क्रूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपको माइलेज इसमें मिल जाएगा। मैंने फुल एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस गाड़ी में और परफॉर्मेंस देखिए इसकी। काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ देख सकते हैं। और आज की ट्रिप की बात करूँ तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से नीम राणा फोर्ट की ओर, जो कि नियर अबाउट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर हम मैनुअल गाड़ी चला के जाएंगे और आते समय ऑटोमेटिक को ट्राई करेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग में आपको एक स्टिफ लेदर है बट अच्छी खासी मुझे इसमें ग्रैबिंग मिल रही है और स्टिफ होने के कारण अच्छा खासा आपको इसमें कंट्रोल भी मिलता है। स्टिचिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा जो एस्थेटिक डिज़ाइन है वो भी निसान ने काफ़ी ध्यान रखा है। और जो सबसे पहली नज़र जाती है वो जो इसका निसान का लोगो है वो अपडेट हो चुका है इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम आपकी मैग्नाइट के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। अभी फिफ्थ गियर में हम क्रूज़ कर रहे हैं और 84 km/h की स्पीड है। एक्सेलरेशन इनपुट मैंने बिल्कुल नॉमिनल दिए गए हैं। और डैशबोर्ड के व्यू की बात करूँ तो अच्छा खासा मुझे इसमें नीचे देखने को मिल रहा है, आपका बॉनेट का जो एंड है वो विजिबल हो रहा है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV में एक मस्ट है, मतलब देखना ही चाहिए, तभी वो एक ज़्यादा आप उसको
हैंडल कर सकते हैं ट्रैफिक्स में या फिर वो, और वहीं मैं इसको अगर थर्ड गियर में डालता हूँ तो बिल्कुल ये एक स्पोर्ट्स मोड में आ जाती है। डाउन शिफ्ट करा मैंने इसके, थोड़ा रेव मैचिंग में अगर इसमें करूँ तो जो जंपिंग है वो कंट्रोल हो जाए। रेव मैच में अभी नहीं कर रहा हूँ इसमें। अचीव कर रही है, ये देखो मैंने काफ़ी शार्प कॉर्नरिंग करी और जो रोल ओवर है वो हल्का सा फील इसमें हुआ, जो कि इस ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियों में होता ही है। नीम राणा अभी 24 किलोमीटर बता रहा है। फोर्थ गियर और थर्ड गियर परफेक्ट है ओवरटेकिंग के काम के लिए, आपके लिए अगर आप हाईवे में इसको क्रूज करते हैं तो। हल्का फुल्का यहाँ पे ट्रैफिक भी आ चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस मुझे फोक्सवैगन की पोलो में भी देखने को मिली थी, वो भी काफ़ी एक शानदार पैकेज है। TSI इंजन आपको मिलता है 1 लीटर का उसमें, और एक वही सेम चीज़ मैं इसमें भी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। रिफाइनमेंट की इस गाड़ी में कहीं भी कमी नहीं है, एक्सेसिव वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होगी, थोड़ी बहुत आपको जो इंजन की साउंड है वो अंदर आएगी। रोड नॉइज़ है वो हल्का फुल्का आप देख पाएंगे, जो कि रोड के जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से भी है। हॉर्न की बात करेंगे तो हॉर्न आप कैबिन के अंदर इसमें इजीली सुन सकते हैं, और ए पिलर की विजिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो ये कुछ ए पिलर का विजिबिलिटी इसमें देख पा रहा हूँ मैं, और कोई भी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट इसमें फील नहीं होगा। काफ़ी रेक्ड अप है, काफ़ी सीधा आपको मिलता है, जैसे कि सेडान्स में देखते हैं आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नेक्सॉन में भी काफ़ी बड़ा ए पिलर दिया गया, वैसा इसमें कुछ नहीं मुझे दिक्कत हो रही है इसके साथ। दोस्तों निसान मैग्नाइट का एक और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है इसका क्रूज कंट्रोल का, जो कि आप अभी देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इसका इंगेज है, यहाँ इसके कंट्रोल दिए गए हैं, और क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये मेमोरी मोड में चले जाते हैं। देखेंगे ये मेमोरी मोड में जा चुका है, और जैसे ही आप रिज्यूम करेंगे ये दोबारा से उसको रीलर्न कर लेगा और दोबारा से आप उसी स्पीड पर ये आपको ले आएगा। दोस्तों अभी हम देखते हैं निसान मैग्नाइट की परफॉर्मेंस, एक 0 to 100 एक स्प्रिंट टेस्ट इसका करते हैं, और एक्सेलरेशन अगर हम देते हैं इस गाड़ी का तो जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें फास्ट फील होने वाला है। ये जो इनिशियल स्प्रिंट है और 100 की स्पीड इसने अचीव करी है। बाकी स्टेयरिंग की ग्रैबिंग की बात करूं तो स्टेयरिंग का जो साइज है काफ़ी सही लगा मुझे, अच्छी तरीके से होल्ड हो जा रहा है। टिल्ट का फंक्शन मिलता है आपको इसमें, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं दिया गया है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर फिगर जैसे मैंने आपको बताया 100 PS के है, और 160 NM का मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी है साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। इसका जो कंपटीशन अभी इंडिया में है वो है नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, ब्राजा, अर्बन क्रूज़र, काफ़ी सारे। बट ये जो ओवरऑल पैकेज है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये एक जनरल कस्टमर के हिसाब से काफ़ी सही है। जो इसकी इनिशियल प्राइसिंग है ये 5.5 लाख के आसपास होने वाली है, जो कि MPI वेरिएंट के लिए होने वाली है, और जो इसका टर्बो इंजन है ये 7.5 लाख के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो मैं आपसे काफ़ी जल्द शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैंने फुल एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है, बाकी आप NVS लेवल्स इसमें काफ़ी इजीली सुन सकते हैं। ये निसान का एक अल्टीमेट में इसे प्रोडक्ट कहूँगा, और काफ़ी अच्छी खासी मुझे लग रही है इसमें परफॉर्मेंस, कहीं भी मुझे इसने निराश